नमस्कार, जोहार, आदाब। क्लीन न्यूज संथाल परगना में आप सभी का स्वागत है। दूसरे दिन दो चिकित्सक समेत 110 स्वास्थ्य कर्मियों को लगा टीका। स्वास्थ्य विभाग की कोशिश के बाद भी महकमा की टीकाकरण के लिए निर्धारित संख्या के करीब पहुंच नहीं पा रहा है। सोमवार को उम्मीद के मुताबिक महज दो चिकित्सक समेत 110 स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना से बचाव के लिए टीका लगाया। दुमका DMCH में 40 व सरैयाहाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 70 स्वास्थ्य कर्मी टीके के लिए आगे आए, जबकि शनिवार को इनकी संख्या 116 थी। बादल पत्रलेख ने कहा, मुख्यमंत्री पशुधन योजना से बदलेगी किसानों की तकदीर। दुमका के रेफरल पशु चिकित्सालय में सोमवार को मुर्गी पालन, सुकर पालन एवं बकरी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। उद्घाटन करते हुए मुख्य अतिथि सूबे के कृषि एवं पशुपालन मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए हेमंत सरकार ने मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। यह योजना पूरे राज्य में खासतौर पर मुर्गी पालन, सुकर पालन एवं बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है। इससे किसानों की तकदीर बदलेगी। इसके लिए राज्य के सभी जिलों को लक्ष्य तय कर लाभुकों को चयन का निर्देश दिया गया है। मार्गो मुंडा खागा व दुमका के मसलिया थाना क्षेत्र से 10 साइबर आरोपी गिरफ्तार। अश्विनी कुमार सिन्हा के निर्देश पर साइबर थाना पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी टीम ने जिले के मार्गो मुंडा थाना क्षेत्र के द्वारपहाड़ी खागा खान क्षेत्र से रघुनाथपुर व दुमका जिले के मसलिया थाना क्षेत्र के बेदियाचक गांव में छापेमारी की। इसमें कुल 10 साइबर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में मार्गो मुंडा थाना क्षेत्र के द्वार पहाड़ी गांव से कृष्ण मंडल, अर्जुन मंडल, करण कुमार मंडल, अरुण कुमार मंडल, गुड्डू मंडल, खागा थाना क्षेत्र से रघुनाथ गाँव से क्यूम अंसारी तथा दुमका जिले के मसलिया थाना क्षेत्र से बेदियाचक गाँव के सहीम अंसारी, सरबुद्दीन अंसारी, शफीक अंसारी व रफीक अंसारी शामिल हैं। खबर गोड्डा से, दूसरे दिन 120 स्वास्थ्य कर्मियों को लगा टीका। गोड्डा जिले के दो सेंटर में सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोविड वैक्सीनेशन किया गया। टीकाकरण के दूसरे दिन फ्रंट लाइन के 120 कर्मियों को वैक्सीन की पहला टीका दिया गया। वैक्सीन लेने वालों में सिकटिया कोविड सेंटर के आधा दर्जन सफाई कर्मी सहित स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरी और NRHM कर्मी शामिल थे। सिकटिया में प्रशिक्षित ANM मुन्नी कुमारी ने दूसरे दिन भी लोगों को वैक्सीन की सुई लगाई। सिकटिया कोविड केयर सेंटर में सोमवार को भी ऑनलाइन पंजीकरण के अनुसार स्वास्थ्य कर्मी और सफाई कर्मियों को बारी बारी से टीका लगाया गया। चलंत लोक अदालत वाहन को किया रवाना। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में जालसा की ओर से गोड्डा पहुंचे चलंत लोक अदालत वाहन को न्यायालय परिसर से प्रधान जिला जज सत्य प्रकाश सिन्हा, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सुशील कुमार झा, महासचिव योगेंद्र चंद्र झा, जिला जज प्रथम शिवपाल सिंह, CJM सह प्राधिकार के सचिव संजय कुमार सिंह आदि ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान PDJ सत्य प्रकाश सिन्हा ने कहा कि लोक अदालत का कोई विकल्प नहीं है, यह समय की मांग है। उन्होंने आप लोगों को कानून के प्रति जानकारी रखने व अधिक से अधिक मामले का निष्पादन कराने का आह्वान किया। हवस में अंधी मामी ने प्रेमी संग मिल भांजे की हत्या, इस कारण दोनों हो गए थे बेहद खपा। मेहरमा के बलबड्डा थाना क्षेत्र के खट्टी गांव में प्रेम प्रसंग में बाधक बने एक 10 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। उसकी मामी ने प्रेमी के साथ मिलकर उन्हें मारकर कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने दोनों आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया। अनुमंडल पुलिस अधिकारी KK सिंह ने बताया कि दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस के सामने प्रीति पछता रही है, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं है। देवघर से, देवघर में 10 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 28 मोबाइल फोन और 10 सिम कार्ड बरामद। साइबर अपराधियों के खिलाफ जारी अभियान के तहत पुलिस ने देवघर तथा दुमका जिला के 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने उनके साथ 28 मोबाइल फोन, 40 सिम कार्ड, 8 पासबुक और एक ऑल्टो कार बरामद की। देवघर के पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा ने इस गिरफ्तार के बारे में बताया कि कास्टर टाउन की इज्जतदार से टाइबर ठगी को करने वाले दुमका के मसलिया थाना क्षेत्र के 4 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लोगों को ठगने के लिए अपना रहे तरह तरह के हथकंडे। देवघर साइबर आरोपित नित्य नए हथकंडे लोगों को ठगने के लिए अपना रहे हैं। ये लोग लोगों को बैंक अधिकारी, ग्राहक सेवा केंद्र के प्रतिनिधि बनकर फोन करते हैं। लोगों को ATM बंद हो जाने, आधार कार्ड अपडेट नहीं करने आदि का झांसा देकर उसे बैंक खाता, ATM, OTP की जानकारी लेकर उन्हें ठगी का शिकार बना लेते हैं। इसके अलावा गूगल पर विभिन्न
वॉलेट एवं बैंक के कस्टमर केयर नंबर की जगह अपना नंबर डाल देते हैं, फिर लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए नाम पर ठगी कर लेते हैं। देवघर की मीना बाजार पहुंचे कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, सब्जी विक्रेताओं की समस्याओं के समाधान का क्या आश्वासन। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख आज देवघर में सुबह सुबह सब्जी विक्रेताओं के साथ मीना बाजार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उनकी समस्याओं का चरणबद्ध तरीके से समाधान कर दिया, आश्वासन दिया। मंत्री बादल पत्रलेख ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। खबर पाकुड़ से, पहले दिन कस्तूरबा विद्यालयों में नहीं हुई पढ़ाई। कोविड-19 के कारण 10 महीने से बंद कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय छात्राओं के लिए सोमवार को खोल दिया गया। सभी विद्यालय सैनिटाइज नहीं होने के कारण पहले दिन पढ़ाई नहीं हो सकी। कस्तूरबा विद्यालय पाकुड़ में पहले दिन 4-5 छात्रा आई थी, सामान लेकर नहीं आने की वजह से घर चली गई। सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए कस्तूरबा गांधी विद्यालय के क्लास रूम, छात्रावास और विद्यालय परिसर कर सैनिटाइजर कराया गया, परंतु विद्यालय कोई मेडिकल टीम नहीं पहुंची। वहीं लिट्टीपाड़ा कस्तूरबा में 13 छात्राएं पहुंची, अभी पढ़ाई शुरू नहीं हुई। बहुउद्देशीय भवन से विद्यार्थियों को मिलेगी बेहतर सुविधा। कुमार कालिदास मेमोरियल कॉलेज में बनने जा रही बहुउद्देशीय परीक्षा प्रसार सुविधाओं से लैस होगी। इससे छात्र छात्राओं को बेहतर सुविधा मिलेगी। 55 वर्ष बाद कॉलेज प्रबंधन छात्र छात्राओं का सपना पूरा होने जा रहा है। यह बातें सोमवार को सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सोना झरिया मिज ने शिलान्यास समारोह के दौरान कही। कुलपति ने कॉलेज के परिसर में 9.5 करोड़ की लागत से बनने वाली बहुउद्देशीय परीक्षा प्रसार का विधिवत शिलान्यास किया। दो केंद्रों पर 50-50 सेवकाओं को लगा टीका। कोरोना वैक्सीन महाअभियान के तहत सोमवार को दूसरे राउंड में सेवकाओं को टीका लगाया गया। सोनाजोड़े स्थित सदर अस्पताल व पुराना सदर अस्पताल स्थित शहरी स्वास्थ्य केंद्र टीकाकरण केंद्र में 50-50 सेवकाओं को टीका लगाया गया। दोनों केंद्रों में हाथ धोने, सैनिटाइजर, मास्क आदि व्यवस्था मौजूद थी। शारीरिक दूरी का पालन किया गया। खबर जामताड़ा से, 6 आवासीय विद्यालय खुले, कम रही उपस्थिति। सरकार के निर्देश पर सोमवार को जिले के 4 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में 2 प्रखंड में 1-1 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय खुले। कोरोना काल के लंबे अरसे बाद स्कूल परिसर में चहल पहल दिखी। हालांकि उपस्थिति कम रही। इन विद्यालयों में 10वीं, 11वीं तथा 12वीं की छात्राओं के लिए शारीरिक दूरी अनुपालन के साथ कक्षा शुरू हुई। शिक्षकों की संख्या तो ठीक ठाक थी, पर छात्राओं की उपस्थिति काफी कमजोर रही। कर्माटार स्कूल में उपस्थिति शून्य। सोमवार को पहले दिन कर्माटार झारखंड बालिका की उपस्थिति अच्छी थी। बैडमिंटन टूर्नामेंट में जामताड़ा के खिलाड़ियों ने लहराया परचम। इंडोर गेम्स एसोसिएशन जामताड़ा द्वारा आयोजित 2 दिवसीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 का आयोजन सोमवार को मल्टीपर्पज हॉल जामताड़ा में किया गया। इसका उद्घाटन SP दीपक कुमार सिन्हा ने किया। इस प्रतियोगिता में जामताड़ा के अलावा चितरंजन, रूपनारायणपुर, आसनसोल, चित्रा व गोरांगडी के खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में जिला जज तृतीय देवेश कुमार त्रिपाठी एवं मुख्य दंडाधिकारी अब्दुल नसीर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने खिलाड़ियों के बीच पुरस्कार का वितरण किया। खबर साहिबगंज से, IPL के तर्ज पर होगा TPL। IPL की तर्ज पर तीन पहाड़ क्षेत्र में 24 से 26 जनवरी तक TPL का आयोजन होगा। इसे लेकर सोमवार को तीन पहाड़ के हाथीगढ़ स्थित नवनिर्माण विवाह भवन में 8 क्रिकेट टीम के मालिकों की उपस्थिति में क्रिकेट खिलाड़ियों की खरीद बिक्री की गई। सभी तरह के खिलाड़ियों को अलग अलग 4 ग्रुपों में बांटकर नीलामी शुरू की गई। सभी टीम के मालिकों ने अपने अपने पसंद के उम्दा एवं बेहतरीन खिलाड़ियों के अधिक से अधिक बोली लगाकर खरीदा। इस दौरान सबसे अधिक दाम पर तीन पहाड़ बस स्टैंड मोड़ के मोहम्मद दानिश अंसारी को MS टीम ने 7,000 रुपया में खरीदा। इस तरह से सबसे महंगे खिलाड़ी बिके। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।